हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ फिर आई हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्लॉग लेकर, और वो व्लॉग है शिवगंज मार्केट टूर। और मैं आपको बताऊंगी मेन शिवगंज मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी सारी शॉपिंग्स यहाँ पे लोग करने आते हैं, कपड़ों की, मिठाइयों की, साग सब्जियों की, जूतियों की। सो चलो मेरे साथ आपको सैर करवाओ शिवगंज मार्केट की। लुक एट द कलर, कितना सुंदर लगता है ना, रंग बिरंगी दुकानें, कितना खूबसूरत लगता है। लोग आकर यहाँ पे अपने मनपसंद के कपड़े खरीदते हैं। अब मैं आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे, जो कि आज है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के इस दिन में बहुत सारे लोग यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लेने आएंगे। लुक एट दिस, कितनी ताज़ी और फ्रेश सब्जियां हैं। आहा, इतनी धूप में ये ठंडक का काम कर रहा है। मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, मुझे कुछ आइटम्स लेने थे, तो मैंने सोचा खरीद भी लूँगी और आपको शिवगंज का टूर भी करवा लूँगी। कोई नहीं, अरे वीडियो आवे फ्री है। अब हमने एंट्री कर ली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस जगदीश रेस्टोरेंट के यहाँ, जो कि अपने स्वीट्स, अपने अदम स्वीट आइटम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, कैन यू जस्ट सी दिस, कितना ज़्यादा कलरफुल और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वाओ, लुक एट द ब्यूटी। ये सबसे ज़्यादा फेमस नामचीन एंड वेरी वेरी ऑथेंटिक स्वीट शॉप ऑफ शिवगंज राजस्थान। कैन यू जस्ट सी दिस, कितनी सारी मिठाइयाँ बन रही हैं। और ये देखो, पास में से दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है। ये क्या बनाया है आपने? ये देसी घी के घेवर है, आपने हाथ से बनाया, राइट? लुक एट द ब्यूटी गाइस, लुक एट द ब्यूटी, कितना सुंदर लग रहा है। खूबसूरत हाथों से बनाए हुए राखी है। कैन यू जस्ट सी दिस। चलो अब हम एंट्री करते हैं जो कि मेन शॉप है जगदीश रेस्टोरेंट, जो मीठी मीठी सुगंध आ रही है। लुक एट दिस स्वीट। और ये वो सारे लोग, और ये रही यहाँ की इम्पोर्टेंट घेवर। कैन यू जस्ट सी दिस, ये रहा मावा, ये रहे घेवर, और ये जो काफी सारे लोगों को पसंद है, काले गुलाब जामुन। लुक एट द स्वीट गाइस, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इतने खूबसूरत, इतने यम्मी और इतने टेस्टी स्वीट्स आपके सामने हैं। यहाँ पे खास तौर पे दो दिनों से, कई दिनों से घेवर बन रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा है। और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे? अहमदाबाद, बॉम्बे, पूरा गुजरात लगता है यहाँ से। अच्छा, और काफ़ी सारे लोग आपके मिठाइयों की तारीफ करते हैं, सो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, राइट? कि आपकी मिठाइयाँ जो कि काफ़ी फेमस है, टेस्टी है और प्योरिटी के साथ लोगों तक पहुँचती है। सो आपके यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों में ज़्यादा खास जाता है, जैसे कि घेवर? अभी रक्षाबंधन के हिसाब से हाथ घेवर जो सबसे स्पेशल, जो साल में एक बार ही बनते हैं, और ये मलाई घेवर है, ये हैं घेवर हैं। अच्छा। ये भी साल में एक बार ही बनते हैं। अच्छा। ये सबसे ज़्यादा इसी सीजन में चलते हैं। ओके। लुक एट द स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स, नमकीन, यहाँ पे भी
गरम गरम बन के तैयार हो रहे हैं। ओ सो यम्मी, ये भी बहुत फेमस मिठाई भंडार है। यहाँ पे ले रही हूँ चूड़ियाँ जो कि बहुत रंग बिरंगी और प्यारी प्यारी है। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन इनके प्राइजेस क्या है, ओनली ₹50। सो ये मौका हम कैसे छोड़े, कुछ तो यहाँ से हमें लेना ही होगा। तो चलो देखते हैं हम क्या लेंगे। लुक एट दिस चूड़ी, कितनी सुंदर सुंदर है ये। ₹50 कोई भी लियो। कितनी प्यारी और खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। क्योंकि अब ऐसा समय चल रहा है तो फिर भी यहाँ कम है, ये जो भी आप देख रहे हो सब कम है। अगर नॉर्मल डे होता तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे होते। और चलो भैरव जी मंदिर के दर्शन कर ले आप भी। लुक एट द ब्यूटी, इतने सुंदर। YouTube की आप भी देखना, तो हमारा आया कि नहीं आया फोटो, इसलिए तो ले रही हूँ यहाँ का फोटो। तो आया हमारा, लो आपका फोटो भी ले लेते, इंटरव्यू भी ले लेते बस। देखिए कितनी सुंदर और कितनी अच्छी राखियाँ हैं यहाँ पे। हर रेंज की राखियाँ हैं, जो चाहे वैसे रंगों की वैसे मणियों की राखी अपने भाइयों को बांध सकते हैं। और ये रहे हमारे राखी सेलर जी, आपका नाम क्या है? सागरमल। वाह वाह, तो कैसा रहा रिस्पांस राखी का? अच्छा रहा, दो तीन दिन अच्छा रहा। तो ये तो ऐसे हालात है, इसलिए अगर नॉर्मल डे होता तो और ज़्यादा अच्छे से, और ज़्यादा फर्क पड़ता। उसकी मार है, कोरोना की मार है। है कोरोना की मार है, सही बात है। तो सब मुँह बांध के बोलने तो नहीं सकते, बोलने में परेशानी होती है, परेशानी, सही बात है। चलो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे कहाँ कहाँ आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भगवान दास, देवन दास एंड सन्स, ये काफ़ी फेमस है अपने कपड़ों के लिए, अपने घाघरा चोली के लिए, बांधनी की साड़ियों के लिए, बांधनी के दुपट्टों के लिए। सो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, खास करके शहरों से भी लोग यहाँ पे आते हैं जैसे मुंबई, अहमदाबाद, और डेफिनेटली अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे। कैन यू जस्ट सी दिस, कितना ब्यूटीफुल है ये सब। वाह, लेडीज लोगों के लिए तो भाई मज़े हैं। लुक एट द लहरिया एंड बांधनी, सो ब्यूटीफुल। ये भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारी शॉपिंग्स हमने यहीं से की हुई है। संघवी ब्रदर्स जो कि काफ़ी फेमस हैं, और हमारे घर के ओकेजन्स में भी हमने साड़ियाँ घाघरा चोली यहीं से ली है। आपको ये जगह बता दूँ, इस जगह से हमारी कुछ खास यादें हैं, मेरी तो नहीं पर मेरे पापा और उनकी फैमिली की कुछ खास यादें हैं। कुछ खास यादें ऐसे कि मेरे पापा का बचपन इसी एरिया में, इसी जगह खेलते उछलते हुए हुआ है। उन्होंने अपने बचपन की ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है, काफ़ी मौज मज़े किए हैं। अपनी लाइफ अगर वो कहते हैं तो मैं बोलते हैं कि हम, मैंने यहाँ जी है। कलापरा इस एरिया को बोलते हैं, शिवगंज तो बाद में बना और शिवगंज की आइडेंटिटी भी बाद में बनी, सबसे पहले कलापरा बना। और ये देखो, आ हा हा, आओ अंदर। अच्छा, वाह वाह, बढ़िया है। देखो कैमरा देखते ही एंट्री में कोई रुकावट नहीं। वाह वाह वाह, लुक एट दिस, कितना ठंडा, कितना सुकून भरा मंदिर है। भोले शंकर, वाओ, सो ब्यूटीफुल। कितनी जय श्री कृष्ण। हम मुंबई से हैं, बड़गांव में रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो मैं यूट्यूबर हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना शिवगंज की सैर करवाए। बजरंग बली, अब हम दर्शन कर लेते हैं। ये रहे हमारे
पंडित जी, आपका नाम? चंद्रशेखर दले। और ये रहे हमारे प्यारे मनमोहक राधा कृष्ण गोपाल जी। आहा, इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने मनमोहक। आप सबको भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अच्छे से इनके दर्शन करें। कैन यू जस्ट सी दिस? हाय हाय, गॉगल्स के साथ। ये भी समझते हैं कि हमें ज़माने के साथ थोड़ा तो बदलाव अपनाना ही चाहिए। ये रहे हमारे बाल गोपाल। मेरे लिए कितनी नसीब की बात है कि मैं आज के इस रक्षाबंधन के दिन पे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पा रही हूँ। इसको बोलते हैं चूड़ा राखी। हाँ, लुम्बा भी बोलते हैं ना इसको। हाँ हाँ, वाह, ओ माय गॉड, ये तो मेरा सबसे फेवरेट वाला पार्ट है। वाह वाह वाह, धन्यवाद पंडित जी। अच्छा एक बात बताइए, आपने भगवान श्री कृष्ण और राधे जी को गॉगल्स पहनाए, राइट? क्या क्या किस वजह से या क्या कारण है? बस ऐसे ही जमाना चेंज हो रहा है। हाँ सही बात है, सही बात, ताकि भगवान को देखकर दूसरे लोग भी सीखे कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। लुक एट दिस लुम्बा, ओ माई गॉड, आई जस्ट लव दिस। कैन यू जस्ट सी कितना ब्यूटिफुल, कितना प्रिटी है। पता है जब कुछ अनप्लैंड होता है ना, बहुत मज़ा आता है। मैंने कहाँ प्लान किया था कि मैं यहाँ आऊँगी और पंडित जी समझ कर ही मुझे बुलाएंगे। और लुक एट दिस यार, आई जस्ट लव दिस, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण। अच्छा तो मैं कहाँ थी, क्योंकि भगवान का बुलावा आया था तो दर्शन करने तो जाना ही था। लुक एट दिस, ये भी बहुत सुंदर और अच्छा मोहक मंदिर है। तो मैं यहाँ थी कि मेरे फादर, उनके सारे भाई, यानी मेरे दादा दादी पहले यहीं इसी एरिया में रहते थे और यहाँ पे उनका पुराना घर भी है। अगर मैं नहीं भूली हूँ तो मैं आपको वो घर बाहर से दिखा भी दूँगी। लुक एट द ब्यूटी, कितना सुंदर है, कितना सुंदर। यू ऑल विल गो क्रेजी यहाँ पर आके, कितना मज़ा आता है, यू नो। चलो अब मैं, जितना मुझे याद आ रहा है शायद वो वाला घर है, नाम भी लिखा हुआ है, मैं आपको नाम भी बताऊंगी तो प्रूफ हो जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। जब मैंने देखा तो नाम तो लिखा हुआ था। हाँ, आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा। मुझे नहीं पता आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से कि नहीं, ये। और काफ़ी सारी यादें उनकी इस एरिया से जुड़ी हुई है, वो हमेशा इस एरिया का नाम लेते हैं, अपना समय बिताया हुआ उसके बारे में हमें बताते हैं। सो हमें भी सुनकर अच्छा लगता है और सही बात है, बचपन का समय हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा, सबसे सुकून वाला समय होता है, जहां हमें कोई अक्कल होती नहीं है और जैसे पूरी दुनिया अच्छी ही लगती है। ये देखो कितने पुराने पुराने घर हैं। मैं आपको बता दूं, भले ही ये बहुत छोटा दिख रहा हो पर यहाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें पहनने के लिए मिल जाती हैं। ये आप जो शॉप देख रहे हो, हम ज़्यादातर हमारे सारी फैमिली का शॉपिंग, जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है, वो इसी दुकान से होती है। और काफ़ी सालों से हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स दूर दूर से, जैसे बामनेरा है, सादड़ी है, सुमेरपुर है, बहुत सारे लोग यहीं से शॉप करते हैं। और ये रहे यहाँ के सबसे मेन जो है खासदार सेलर। और मैं आपको बता दूं कि इनके पास काफ़ी सारा अच्छा खासा वैरायटी में सामान है और लोग दूर दूर से यहाँ पे शॉप करने आते हैं। तो मैंने यहाँ से अपनी शॉपिंग कर ली है। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रकाश नाम है। प्रकाश, हाँ। तो कितने साल से है ये शॉप? 60 साल से, 60 ईयर्स से है। और सुना है लोग बहुत दूर दूर से भी यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। Thank you.